साथ धीरज सिंह हमारे साथ बात करने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और फायर ब्रांड अभिनेता खेसारी लाल यादव जी हैं। दिल्ली में यहाँ पर आपकी जो शूटिंग, एक एडवर्टीजमेंट शूटिंग चल रही है सपना किंग करके, इसके बारे में कुछ पहले बताइए। सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। ये सपना किंग समझ लीजिए कि मेरे घर की कंपनी है और मेरे भाई हैं ये, और हम दोनों की रिलेशन बड़े दिनों से है। 2012 में मैं इनका शो किया था विश्वकर्मा जयंती का, विश्वकर्मा की जो, तो उसी समय से हम दोनों भाइयों का एक रिलेशन है। तो तब से हम दोनों एक दूसरे को, और इनकी फैक्ट्री है तो भाई भैया ये तो मेरा सौभाग्य है जो ये उस लायक मुझे समझते हैं। और मैं ब्रांड क्या करूँगा, मैं मेरे लिए तो मेरी जनता ही मेरी ब्रांड है, मैं उनके भरोसे ही कुछ करता हूँ। और मेरा ऐसा नहीं विश्वास है कि जिस चीज़ को मैं कुछ अगर बोल देता हूँ तो वो उस पर यकीन करती है, और मैं गलत चीज़ के लिए कभी बोलने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मुझे लोग फॉलो करते हैं तो मेरा दही तो बनता है कि मैं अच्छी चीज़ों को ही प्रचार करूँ जिससे दुनिया प्रभावित हो, तो मेरी कोशिश रहती है। और एक अच्छा ब्रांड है, छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर जे एक बूढ़े बुजुर्ग तक के चप्पल जूता इनके फैक्ट्री में सपना किंग में बनता है। तो आज हम सोचे कि अभी तक तो मैं पोस्टर पर था, तो इनकी इच्छा थी कि नहीं मिथिलेश जी आज से नहीं, मुझे लगता है एक साल से बोल रहे हैं कि भैया हम टीवी के लिए भी कुछ करते हैं, और मेरे पास वक्त बहुत कम होता है, और इसी में कोरोना काल किसको पता नहीं है, परेशानियां बहुत थी इसीलिए चीज़ें नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब थोड़ा फ्री हुआ तो हम सोचे कि भाई सपना किंग से जुड़ा हूँ तो सपना किंग के लिए जो भी बेहतर चीज़ें हो सकती है मिथिलेश जी के साथ मिलकर आदमी उसको करे। एक तरीके से आत्मनिर्भर बिहार की जो परिकल्पना है उसको भी आप लोग लगातार बढ़ावा देने की कोशिश करें कि बिहार के लोग बिहार को आगे बढ़ाएं। हाँ देखिए, लोकल वोकल की जहाँ जब बात आती है, मेरा मानना है, देखिए और ये बिहार के लिए ही नहीं है जी। ये कंपनी एक बिहार के आदमी के लिए है, लेकिन हाँ बिहार के लोग चाहें इसको तो बड़े लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट में हर राज्य में हम अपने आप को, अपनी कंपनियों को, अपने लोगों को बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ ये मेरा ही दायित्व नहीं बनता है, मैं ये बिहार के हैं इसलिए मैं इनके पास हूँ ये मतलब नहीं है। मैं कलाकार हूँ, मैं हर राज्य का हूँ, हर स्टेट का हूँ, बट कुछ अपनापन होता है क्योंकि बिहार में बेरोज़गारी बहुत है, हमारे पास रोज़गार ही नहीं है, हम दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं, क्योंकि हमारे अपने घर के लोग अगर नहीं बढ़ेंगे तो शायद फैक्ट्रियाँ नहीं बढ़ेगी। तो हम कोशिश किए हैं कि अपने तरफ के लोगों को और बिहार के खास करके लोगों को हर स्टेट में, हर राज्य में, हर स्टेट में कहीं ना कहीं रोज़गार है, लेकिन हमारे बिहार इसमें, इस मामले में बहुत पीछे है, कुछ भी रोज़गार नहीं है हमारे पास। गंगा जी का दिया हुआ एक बालू है जिस पे हम जी रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि हम जितनी कोशिश करें अपने लोगों को तरक्की पे ले जाने के लिए, जो मेरी सब क्षमता है, जो मेरी कोशिश है, अपने लोगों को बढ़ाने की ही है। और अपनों में सब आते हैं, हर स्टेट आता है, लेकिन ख़ास करके जिस बिहार का मैं बेटा हूँ तो वहाँ रोज़गार बढ़ेगा तो शायद हमारा बिहार बढ़ेगा, और बिहार बढ़ेगा तो हमारे इंडिया में ही बिहार है तो हमारा इंडिया ग्रोथ करेगा। तो कोशिश यही है।